नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने के लिए, और आज का विषय भी जन्म कुंडली से ही जुड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धन संचय के संदर्भ में। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि पैसे आ रहे हैं लेकिन टिकते नहीं है, आमदनी हो रही है लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको यह पता होगा कि जन्म कुंडली में धन का भाव और आमदनी का भाव दोनों पृथक पृथक हैं। धन का भाव जन्म कुंडली में दूसरा है और आमदनी का भाव, लाभ का भाव एकादश है, ग्यारहवा है। अब आप कहिएगा कि एकादश भाव से भी जो हमें आमदनी आएगा वह भी हमारा धन ही है। प्रिय दर्शकों, अगर मैं इस बात को समझाऊं तो काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको समझाने के लिए मैं एक आगे कार्यक्रम बना लूंगा। और आमदनी से संबंधित जो परेशानी है उसके संदर्भ में भी वीडियो आगे बनेगी। आज हम बात करेंगे धन संचय के संदर्भ में। प्रिय दर्शकों, यह जरूरी नहीं है कि आपकी आमदनी अधिक है तो आप धन संचय अवश्य कर लेंगे, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसकी आमदनी कम होगी वह धन संचय नहीं कर पाएगा। प्रिय दर्शकों, यह निर्धारित होता है या ये बात आप दूसरे भाव के भावपति और दूसरे भाव की स्थिति का आंकलन करने के बाद आप कह सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति धन संचय कर लेगा और कौन नहीं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हाँ, आप औसतन यह सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जिसकी आमदनी अधिक होगा वह अवश्य धन संचय कर लेगा, जिसकी कम होगी वह कैसे कर पाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली का यह स्थिति इस प्रकार से हो कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव बलिष्ठ हो, मजबूत हो, और ग्यारहवा भाव कमजोर हो, तो आमदनी कम होने की उम्मीद है लेकिन धन संचय अवश्य हो जाएगा। और मान लो जिसकी कुंडली में एकादश भाव बढ़िया हो उसकी आमदनी बढ़िया होगी, लेकिन दूसरा भाव कमजोर हो, दूसरा भाव पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्तियों का धन संचय नहीं होता है। और यदि अथक परिश्रम करने के बाद धन संचय भी हो जाए तो याद रखिए कि यदि आपके जन्म कुंडली का दूसरा भाव खराब है तो वह आपकी अचल संपत्ति भी बर्बाद होने का चांस बहुत ज्यादा है। उस अचल संपत्ति का नष्ट होना भी लगभग समझिए कि तय है जब आपके जन्म कुंडली का दूसरा भाव एकदम खराब हो। तो प्रिय दर्शकों, आज लाभ भाव एकादश भाव के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं धन संचय के संदर्भ में। तो आपकी आमदनी चाहे जो हो, कम हो या अधिक हो, यदि आप चाह रहे हैं कि आपका धन संचय हो, संचित हो और वह नष्ट न हो, खराब न हो, बर्बाद न हो, तो आपकी आमदनी चाहे कुछ भी हो, अचल संपत्ति बनाने के लिए या अचल संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, धन संचय करने के लिए, आपको अपने जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है उस भाव को विशेष तौर से, विशेष रूप से देखना पड़ेगा। यदि जन्म कुंडली के दूसरा भाव और दूसरे भाव के अधिपति ग्रह जो भी हो, दूसरे भाव में जो राशि बैठी होगी उस राशि के राशिपति ही द्वितीयेश होते हैं, धनेश होते हैं,
तो जो धन भाव है, दूसरा जो भाव है, वह आपका अचल संपत्ति है। और यदि वह भाव बढ़िया हुआ, उसके भाव पति अच्छे स्थिति में जन्म कुंडली में दिखाई पड़े, तो आप समझिए कि आप अपने जीवन में धन का संचय अवश्य कर लेंगे, आप अपनी अचल संपत्ति बना लेंगे, आपका बैंक बैलेंस सुरक्षित रहेगा, बैंक बैलेंस बनेगा। लेकिन यदि वह भाव पीड़ित हुआ, कौन सा भाव? दूसरा भाव। आपके जन्म कुंडली में द्वितीय की अवस्था अच्छी नहीं हुई, नीच के होके बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, अस्त बैठे हैं, या छठवें आठवें बारहवें में बैठे हैं, किसी भी प्रकार से उनकी अवस्था अच्छी नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। और कुछ परसेंट यदि आप अथक परिश्रम करके धन संचय कर लेते हैं, तो भी उस धन का नष्ट होने का जो चांस है वह बराबर बना रहेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में उन ग्रह की स्थितियों को देखना पड़ेगा, द्वितीय की स्थिति को देखना पड़ेगा, तो उसका नष्ट होने का भी चांस बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि जब दूसरा भाव मजबूत बलिष्ठ अच्छा रहेगा ही नहीं, तो आप धन संचय बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, और वह आपका अचल संपत्ति सदैव बरकरार नहीं रहेगा, आपका बैंक बैलेंस बना हुआ नहीं रहेगा। अब इसका संबंध एकादशेश से नहीं है, एकादश से नहीं है, क्योंकि वह केवल आमदनी का भाव है, वह केवल लाभ का भाव है, वहां से आपकी आमदनी निर्धारित होती है, आपके आमदनी का विचार होता है। लेकिन अब उस आमदनी का आप कितना संचय करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये अलग अलग भाव डिसाइड करते हैं। जैसे कि दूसरे भाव से कितना आप संचय करेंगे यह विचार होगा, और बारहवें भाव से कितना खर्चा करेंगे यह विचार होगा। तो इस संदर्भ में आगे वीडियो बनाऊंगा खर्च आदि को लेकर, लेकिन आज आप केवल इतना समझें कि आमदनी चाहे आपकी जो हो, कम हो अधिक हो, लेकिन यदि आप उस लाभ का, उस आमदनी का संचय करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, अचल संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जन्म कुंडली का दूसरा भाव और दूसरे भाव के अधिपति ग्रह की स्थिति को देखनी पड़ेगी। यदि वह खराब स्थिति में हैं, तो उनका उपाय करें, और यदि अच्छे स्थिति में हैं, तो उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने जीवन में अचल संपत्ति अवश्य बना लेंगे, आप धन इकट्ठा अवश्य कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए कि आपके जन्म कुंडली में दूसरा भाव और द्वितीय की क्या स्थिति है। यदि अशुभता में मिलते हैं, तो आप भी अचल संपत्ति के लिए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए, धन संचय करने के लिए उनका उपाय अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नवीन विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।